कश्मीर में अब आतंकियों ने राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कश्मीरी युवाओं पर दहशत बनाने का नया हथकंडा अपना लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कुछ आतंकी बंदूक की नोक पर कांग्रेस के एक युवा कार्यकर्ता को धमकाते और पीटते नजर आ रहे हैं। कश्मीरी में आतंकी गाली गलौज करते उसे सेना और सुरक्षा बलों से दूर रहने की धमकी भी दे रहे हैं। यह घटना कश्मीर में बीजेपी के युवा नेता गौहर अहमद भट्ट के 2 नवंबर को हुए कत्ल के 10 दिन बाद की है। कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान गुलजार अहमद के रूप में हुई है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि इस घटना से करीब 20 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में भी आतंकियों ने कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ताओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी और साथ साथ इन्हें धमकाया भी गया था।